हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एफआईबी अकाउंट स्टूडेंट्स. आर यू लिसनिंग टू मी? यस मैम, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. ओके, सो शैल आई स्टार्ट? यस मैम. ओके, सो विच वाज द लास्ट पॉइंट? डू यू रिमेंबर समथिंग? डू यू नोट डाउन समथिंग एल्स? Scope of environment. Scope of environment. Okay. So today I'm going to discuss the new question, the relationship between the man and environment. The man and environment are the two words has occupied almost all the spheres known to be recorded history. From the beginning, the man firmly believes that he is the ultimate source. He is the ultimate force that manipulates vagaries of the nature. The number of man's attempt to conquer natural processes have boomeranged on him, and at the times leading to irreversible and immense irreparable damage to nature. तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो man और environment, ये जो दो शब्द हैं, तो उनका most probably बरसों से एक रिलेशन रहा है. ओके, दे हैव स्पोकन टुगेदर. ओके, उन्होंने पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है, वो जो स्फीयर्स है, फिजिकल स्फीयर्स या ऑल जो स्फीयर्स है, सोशल कल्चरल ऑल स्फीयर्स है, ये सब उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है. तो जब हम पास की बात करें तो पास से ही कि मैं जो इंसान है वो सोचते आ रहे हैं कि उसको वो जो हमारे ये जो धरती है, हमारी जो दुनिया है, तो उसमें वो हम जिस तरह जानते हैं या सभी मानते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो इसके हिसाब से उसका इंटेलेक्चुअल पावर ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है. तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि जितना ज़्यादा वो इस्तेमाल करता है, जितना ज़्यादा नुकसान वो हो जाता है, उल्टा घूम फिर के वो नुकसान उसके उसी के पास पहुँच जाता है. तो इसकी वजह से लिखा हुआ है एट द टाइम्स लीडिंग टू द इरिविजिबल एंड इमेंस इरिपेरेबल डैमेज टू द नेचर. वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा एटमोसफियर का इस्तेमाल करता है, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, वो जितना नुकसान पहुँचा है वो खुद को ही अपने आप को नुकसान पहुँचाता है. ओके, द नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड इन्वेंशन हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द बेटर लिविंग इन द नंबर रिस्पेक्ट. कि जैसे जैसे उसकी जो एक्टिविटीज़ है और उसके जो इन्वेंशंस है, इंसान के जो इन्वेंशंस है, तो उसके उसने क्या किया, वो इन्वेंशन और एक्टिविटीज़ का क्या मतलब हुआ कि उसको वो बेटर लाइफ जी सके. फॉर एग्जांपल, तो जब हम सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हो तो मोबाइल फोन्स नहीं थे. जब पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे तो सबसे पहले हम पत्र व्यवहार ऐसा वगैरह पत्र व्यवहार से सब कुछ बातें होती रहती थी. लेकिन बाद में घर में लैंडलाइन आए और लैंडलाइन के बाद मोबाइल फ़ोन आए, कॉर्डलेस फ़ोन आए और कॉर्डलेस के बाद मोबाइल फ़ोन आए. तो जब भी अभी हम अभी के जब मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं तो इतने पतले, इतना स्लिम ट्रिम रहता है कि मोबाइल कहाँ पे रखा है या किस तरह से रखा है वो भी हमें पता नहीं चलता. सो दैट एक्टिविटीज़ एंड इन्वेंशन हैव कंट्रीब्यूटेड इन द बेटर लिविंग इन द नंबर ऑफ रिस्पेक्ट. सम ऑफ हिज एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ बैकफायर ड्यू टू द लैक ऑफ पोर थॉट्स एंड इनएबिलिटी टू फोरसी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ हिज डेवलपमेंट. तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी जो सोच थी, लैक ऑफ फॉर थॉट्स, के लंबा ना सोचने की, और उसकी जो इनएबिलिटी थी कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका परिणाम क्या होगा. फॉर एग्जांपल, उसने जो इंसान ने इन्वेंशंस और एक्टिविटीज़ की कि फॉर एग्जांपल अभी जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है या कुछ और भी, हम जो व्हाट्सएप वगैरह या ट्विटर्स या वीचैट या फेसबुक, तो इसकी वजह से क्या, उसने क्रिएट तो किया, एप्लीकेशन क्रिएट किया, लेकिन उसकी इम्पैक्ट मेरे सोशल लाइफ के, मेरे फैमिली लाइफ पे क्या होगी, उसने बहुत दूर का नहीं सोचा. तो जिसकी वजह से उसके रिलेशन लोग अपने घर वालों के साथ खराब होते हैं. एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ.
ओके सो सो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम फेस बाय हिम सच एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एसिड रेन ओजोन डिफ्लेक्शन ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्थ हैजर्ड्स एक्सेट्रा दैट इट अकर्स द population explosion forcing industrialization has caused the degradation of his environment. कि उसने जो inventions वगैरह के उसकी जो activities है जो main की activities है तो सबसे पहले होता है pollution. तो pollution तीन चार type के होते हैं air pollution, noise pollution, then water pollution, okay? लैंड पॉल्यूशन जो इस टाइप के पॉल्यूशन होते हैं उसकी वजह से जितना ज़्यादा उसने इस्तेमाल किया उतना ज़्यादा उसको नुकसान हुआ. देन एसिड रेन ओजोन डिफ्लेक्शन मीन्स ओजोन लेयर में जो दरारें होती चली जा रही है जिसकी वजह से हमें आजकल अभी गर्मी का एहसास ज़्यादा होने लगा है उसका भी इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है. देन ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसकी वजह से उसकी हेल्थ भी तो उसके जो तंदुरुस्ती है जो इंसान की जो तंदुरुस्ती है वो अपनी तंदुरुस्ती खो बैठा है. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जितना ज़्यादा वो इन्वेंशन करता है जितना ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ करता है तो एक तरफ से वो एक हाथ से वो इन्वेंशन कर रहा है एक हाथ से वो एक्टिविटीज़ कर रहा है नई नई बेटर लाइफ के लिए सोच रहा है कैसी ज़िंदगी बिताई जाए और दूसरी तरफ से वो अपना जो तंदुरुस्ती है वो अपना खोए जा रहा है. The present changes in the quality of environment and its adverse effect on the man are attributed to the number of factors and approaches are only the way to rectify the present situation. So, इसका मतलब ये हुआ कि जितना उसने present situation में कि present quality जो अपना जो environment है उसकी quality में जितना change लाने की कोशिश की है तो उसकी जो impact हो तो उसकी impact हमें उसके life में social life में रिलेटेड टू उसकी हेल्थ रिलेटेड टू उसके रिलेशंस वहाँ पे हमें सब जगह यहाँ पे दिखाई देती है. एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए तो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं जो गवर्नमेंट करती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. ओके तो जैसे मैंने अभी बताया कि एसिड रेन क्या है तो एसिड रेन की यहाँ पे आपको ये इमेज दिखाई दे रही है कि आप देख सके ये तालाब है यहाँ पे सब फॉर एग्जांपल सब कार्स वगैरह है यहाँ पे फैक्ट्री है ये फैक्ट्री का ये जो धुआं है वो पूरे स्काई में जाता है ये ऊपर जाता है आसमान में जाता है फिर उसी से ये जो बारिश वगैरह होता है कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो पानी पानी का जो होता है वेपर होता है द वाटर ट्रांसफर इनटू द वेपर और उससे ये बादल तैयार होते हैं उसके फिर से वही वो पानी ज़मीन पे आता है. तो इसी तरह से एसिड रेन का एक्सपीरियंस हमें मीन्स एसिड रेन होता है. तो जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो उतना ज़्यादा एसिड रेन होगा. कुछ पूछना चाहते हैं आप कुछ पूछना चाहते हैं कोई पूछना चाहता है थोड़े म्यूट कीजिए प्लीज सुनीत अपना ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज. ओके दूसरा यहाँ पे आप ओजोन लेयर तो ओजोन लेयर का भी कुछ ऐसे ही आपको ओजोन लेयर डिफ्लेक्शन जैसे मैंने अभी बताया था. तो ओजोन लेयर का जो फॉर एग्जांपल हमारा जो हमारा जो यूनिवर्स है और यहाँ पे जो सन है उसके बीच में जो लेयर आता है ये तो उसको ये हम बोलते हैं ओजोन लेयर जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उसमें दरारें पड़ने की वजह से कि फॉर एग्जांपल ये जो सूरज की किरणें हैं तो डायरेक्टली हमारे डायरेक्टली हम पे आती है तो इसकी वजह से हमें गर्मी का ज़्यादा क्योंकि ओजोन लेयर में दरारें पड़ती गई है इसकी वजह से हमें गर्मी का अनुभव या गर्मी हमें ज़्यादा लग रही है आजकल. अभी ये देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट
जैसे आप अपने, जैसे मैं आपको पीपीटी आपके मोबाइल पे भेजूंगी तो आपको ये क्लियर दिखाई देगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे जो शब्द दिखे हुए हैं वो ज़्यादातर क्लियर हम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको जैसे ही मैं पीपीटी भेजूंगी आप अपने मोबाइल पे ये इमेज अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लोकेशन, लोकेशन इज इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द कंट्री। लोकेशन मीन्स हम जिस जगह पे रहते हैं वो लोकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो मैन और एनवायरमेंट वाला रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया क्योंकि वो छोटा ही था। सो मे आई रिपीट अगेन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, मे आई रिपीट अगेन। May I repeat again? Yes or no? Yes or no? Okay. So let's talk about the components. Okay. So components are the two types: natural or physical. Natural or physical, first point. और दूसरा है human. तो natural और physical में उसके भी दो types हैं। अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक को हम बोलते हैं नॉन लिविंग और बायोटिक को हम बोलते हैं लिविंग। ओके, तो अबायोटिक और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट है उसमें क्या पॉइंट्स है वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है लोकेशन, देन दूसरा है टोपोग्राफी, तीसरा है क्लाइमेट, चौथा है साइज एंड शेप, पांचवा है कोस्टलाइंस, छठवां है मिनरल्स और सातवां है सॉइल। और बायोटिक और लिविंग में क्या आता है? नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल्स। ओके, तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द कंट्री। विच आर द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंट्री, तो ये सब उसके नाम दिए हैं। तो सबसे पहला आता है, अभी नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स, सिक्स और सेवन पॉइंट्स इन टू द डिटेल, एट पॉइंट्स। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन, इट इज अबायोटिक कॉम्पोनेंट। ओके, अभी हम लोकेशन की बात करेंगे। तो लोकेशन मीन्स द टर्म लोकेशन हैज बीन यूज इन द जियोग्राफी सिंस अर्ली डेज ऑफ रोमन्स एंड ग्रीक्स। तो लोकेशन ये शब्द कहाँ से आए? तो लोकेशन ये शब्द जियोग्राफी, जैसे हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जियोग्राफी में रोमन और ग्रीक जो पीपल थे उन्होंने ये टर्म ढूंढ के निकाला है लोकेशन। द लोकेशन हैज अ प्राइमरीली इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, कि जिस तरह का लोकेशन होता है उसकी इम्पैक्ट उसके क्लाइमेट पर दिखाई देती है। एब्सोल्यूट लोकेशन रिफर इन द टर्म्स ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कि हम जो लोकेशन उसको रिफर करते हैं और उसके जो लोकेशन किस तरह से रिफर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड में उसको मराठी में बोलते हैं अक्षांश और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड, उसको हम बोलते हैं रेखांश। रेखांश रूट और अक्षांश रूट भी हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया लोकेशन इज 8 degrees 4 minutes and 28 seconds and 37 degree 70 minutes and 53 seconds north latitudes. Okay, तो जब हम location की बात करते हैं, भारत की location की बात करते हैं, तो जो उत्तर का है north latitudes means भारत का जो अक्षांश होती है तो वो कैसा है? 8 degree 4 minutes 28 seconds and दूसरा है 37 degrees 70 minutes and 53 seconds, इस तरह का है। देन इस longitudes means जो रेखांश वृत्तीय है, रेखांश है तो वो किस तरह सा है? 68 degrees 7 minutes and 3 seconds और दूसरा है 97 degrees 24 minutes and 47 seconds। तो इस तरह के हमें कुछ लोकेशन दिखाई देता है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट अ कंट्रीज प्रोडक्ट पीपल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल डेवलपमेंट। तो लोकेशन में किस बारे में बताता है? तो
लोकेश हमें बताता है कि उस देश में किस तरह का प्रोडक्ट होता है, किस तरह के लोग रहते हैं, उनका इकोनॉमिक लेवल क्या है, उनका कॉमर्शियल डेवलपमेंट करता है, तो ये हमें लोकेशन पता चलता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो दापोली है, हमारा जो कोकन एरिया है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट कोकन एरिया है, तो इट इज़ रियली मीन्स इट इज वेरी नियरेस्ट टू द कोस्टल एरिया, इट इज नियरेस्ट वेरी इट इज़ वेरी नियरेस्ट टू द बीच। तो ये जो पोर्शन या ये जो लोकेशन हुआ है, तो उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं, क्योंकि इसका लोकेशन बताया जाए तो उसका जो जोग्राफिक लोकेशन होगा तो ये उसको कोस्टल एरिया बताया जाता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? Do you understand this point properly? Yes. Okay. Yes. दूसरा है, ध्यान जरूर दीजिए क्योंकि जल्दी से समझ में नहीं आएगा। ये EVS का थोड़ा सा, ये EVS इजी है लेकिन आपको, आप ध्यान नहीं लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। लोकेशन इन द टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशन टू द वाटर बॉडीज एंड लैंड एरिया। ओके, कि लोकेशन कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो लोकेशन उसका जो वाटर बॉडीज होता है, लैंड एरिया कैसा है, वहाँ से हमको पता चलता है उस टाइप का, उस एरिया का लोकेशन क्या है। द कंट्री इज लोकेटेड नियर द सी, हैव द मेरी टाइम लोकेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो रत्नागिरी है, हमारा जो कोकन है, तो उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं क्योंकि उसको वो समुद्र किनारे के पास आया हुआ है। तो इसकी वजह से जो देश समुद्र के पास आता है उसको हम मेरी टाइम लोकेशन बोलते हैं। With the help of this location, we get the idea of continental maritime location. Continental, जो 7 continent है, तो उसके हिसाब से हमें maritime location हमको पता चलता है। They are different types of maritime location, कि वो अलग अलग प्रकार के maritime location होते हैं। They are insular, peninsular, isthmian, एंड लिटोरल। ये जो शब्द है थोड़े से अलग है तो आप जरूर ध्यान देंगे। तो मैरीटाइम लोकेशन किस प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला होता है इंसुलर, दूसरा है पेनिसुलर, तीसरा है इस्थमियन एंड चौथा है लिटोरल। सो देर आर नंबर ऑफ अदर एडवांटेजेस ऑल्सो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिनेंटल लोकेशन। कॉन्टिनेंटल लोकेशन मतलब क्या? द कंट्रीज विच आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट हैव कॉन्टिनेंटल लोकेशन। मैंने अभी आपको बताया कि लोकेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें कॉन्टिनेंटल लोकेशन मतलब क्या? जो कंट्री में, जो देश समुद्र के पास आया हुआ है, लेकिन जो समुद्र के अंदर के भाग में, उसका जो समुद्र से रास्ता निकलता है, समुद्र के पास है लेकिन थोड़ा दूर है, समुद्र से थोड़ा दूर है, दूरी के अंतर पे है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल लोकेशन। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, मंगोलिया, पोलैंड एक्सेट्रा। ओके, देन एक्सट्रीम क्लाइमेट ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज अफेक्ट द प्रोडक्टिव इफेक्ट्स। कि यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिए गए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कौन से कॉन्टिनेंटल लोकेशंस में कौन सी कंट्री आती है, तो पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है पोलैंड, सॉरी दूसरा है मंगोलिया और तीसरा है पोलैंड। तो इसका जो क्लाइमेट रहता है उसका क्लाइमेट उसी हिसाब से रहता है, कॉन्टिनेंटल प्रोडक्ट के हिसाब से ही रहता है, क्योंकि वो समुद्र के पास तो है लेकिन समुद्र के इतने पास भी नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर आप घर से बाहर निकलो तो आपको सामने समुद्र का किनारा दिखाई दे। फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो दापोली है, हमारा जो दापोली है वो समुद्र से थोड़ा दूर है, एम आई राइट? यस मैम। ओके, और जो मुरुड है वो बिल्कुल, हाँ जो मुरुड है जो बिल्कुल समुद्र के पास है। तो जो पहला पॉइंट था, ओके, ये हमने ये देखा कि लोकेशन इन द टर्म्स ऑफ रिलेशन टू वाटर बॉडीज एंड लैंड एरिया, तो ये जो मुरुड़ वगैरह है तो इस लोकेशन में आएगा। और जो दापोली है, तो अभी जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कंटिनेंटल लोकेशन, तो दापोली हमारा समुद्र से थोड़ा सा दूर है, तो उसका हम बोलते हैं जस्ट कॉन्टिनेंटल लोकेशन। समझ में आया क्या? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम।
देन नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट लाइन्स. ओके, अभी लोकेशन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट लाइन, तो लोकेशन में भी ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ लोकेशन किस प्रकार का होता है वो हम देखने वाले हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ लोकेशन इन द रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट. द फर्स्ट इज फोकल लोकेशन एंड सेकेंड इज पोर्टल लोकेशन. तो ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि बाबा ये जो लोकेशन है रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट, तो ये पहला है फोकल लोकेशन है, दूसरा है पोर्टल लोकेशन. तो फोकल लोकेशन मतलब क्या? तो फोकल लोकेशन का मतलब होता है व्हेन एवर टू और मोर देन टू ट्रेड रूट्स क्रॉस, इट इज सेड दैट द फोकल लोकेशन. फॉर एग्जांपल शिकागो इन यूएस, थाने पुणे अहमदनगर कोल्हापुर एंड मुंबई इन महाराष्ट्र. कि जब भी जो ट्रेड या मीन्स व्यापार के लिए जो दो रूट एक दूसरे से क्रॉस होते हैं तो उसको हम फोकल लोकेशन बोलते हैं. आई विल रिपीट द सेंटेंस अगेन कि कोई भी जो कंट्री हो या कोई दो देश हो या कोई दो राज्य हो, तो जो एक ही रूट जो इस्तेमाल करते एक दूसरे से क्रॉस होता है व्यापार की वजह से, तो उसको हम फोकल लोकेशन बोलते हैं. तो यूएसए में है शिकागो और दूसरा है यहाँ पे जो हमारे इंडिया का दिया हुआ है वो थाने है, पुणे है, अहमदनगर है, कोल्हापुर है, मुंबई है. और मुंबई में मुंबई ये जो पांच प्लेसेस दिए गए महाराष्ट्र के फोकल लोकेशंस है. द फोकल लोकेशन इज द बेस्ट लोकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड सिंस द टू रोड्स एंड रेलवे क्रॉस ईच अदर. यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको समझ में आएगा कि फोकल लोकेशन में जो लोकेशन होता है तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ट्रेड वगैरह वो एक ही जगह पे जहाँ पे दो रोड एक साथ जाते हैं या रेलवे एक दूसरे को क्रॉस करिए वहाँ पे आपको ये फोकल लोकेशन दिखाई देगा. द थाने इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फोकल लोकेशन. इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी विलेज बट नाउ इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर ऑफ इंडिया. तो थाने जो है जो पहले एक छोटा सा गाँव था लेकिन अभी वो क्या बन चुका है, एक इंडस्ट्री और ट्रेड सेंटर बन चुका है. क्योंकि थाने में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हमको अभी दिखाई दे रही है. क्योंकि जैसे फोकल लोकेशन मतलब क्या है कि जहाँ जिस जगह पे दो रोड्स और दो रेलवेज क्रॉस ईच अदर और जहाँ पे डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लोकेशन. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं फोकल लोकेशन. Do you understand this point properly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो अभी तक मैं एक फिर से एक मेरा ये पैटर्न ही है कि ये मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया. तो मैं फिर से आपको पूछना चाहूँगी कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं फिर से आपको वही पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगी. जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं आगे जाने वाली नहीं हूँ. अभी का जो आगे का जो क्वेश्चन था मैं आपको एक मिनट स्लाइड दिखाती हूँ. मैन एंड रिलेशन वाला जो एक क्वेश्चन था, ये मैन और एनवायरनमेंट वाला, ये समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया आपको? हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग टू मी और आर यू स्लीपिंग? आर यू लिसनिंग टू मी और आर यू स्लीपिंग? यस. ओके मैम, सेकंड पॉइंट नहीं समझा. कौन सा वाला नहीं समझा बताइए जरा, कौन सा वाला नहीं समझा? ये वाला आप मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि क्या आपको समझा और क्या नहीं. हां मैम. कौन सा वाला, नीचे वाला, नंबर ऑफ एक्टिविटीज? हाँ, नंबर ऑफ हिल्स. हाँ हाँ हाँ. तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसे पास से, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से हमको पता है कि बाबा पहले आदि मानव थे, कि उसके बाद जो फॉर एग्जांपल रिवॉल्यूशन हुआ, पहले पहले फॉर एग्जांपल जैसे
फॉर एग्जाम्पल हमको सिंपल एग्जाम्पल देना है तो ओके जब हम पहले की पिक्चर देखे तो पहले की पिक्चर हमको कैसे दिखाई देती थी, पहले की जो 60s 70s की जो पिक्चर थी वो हम कैसे दिखाई देती थी, तब कलरफुल थे क्या, कलरफुल स्क्रीन वाले टीवी थे क्या? नहीं, तब वो कैसा था, ब्लैक एंड व्हाइट था, ब्लैक एंड व्हाइट था ओके। तो ब्लैक एंड व्हाइट वो उस टाइम में था, 60s 70s में था ओके। तो अभी के जो टीवी है तो उसमें आपको थोड़ा सा चेंज या थोड़ा सा नहीं बहुत सारा चेंज आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, इन्वेंशन दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, यस और नो? हाँ जल्दी जल्दी रिप्लाई दीजिए, आप दिखाई देते हैं ओके। जब आप छोटे थे तो शायद, जब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ कि जब मैं छोटी थी तो ओनिडा ये एक कंपनी का टीवी आता था ओके। अभी वो कंपनी बंद हो चुकी है, अभी वो उस कंपनी का मिलता नहीं है। तो अभी हमें बहुत सारी कंपनी के हमको फ्लैट, हम बोलते हैं जैसे हम फ्लैट टीवी हमको मिलते हैं ओके। तो इसकी वजह हम बोलते हैं एलईडी या एलसीडी वगैरह ऐसा ऐसे टीवी हम देखते हैं। तो इन्वेंशन हुई कि नहीं, वो इंसान की इन्वेंशन और एक्टिविटीज हुई कि नहीं, क्यों? ये हुआ ओके। जैसे मैंने आपको एक मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दिया कि पहले घर घर में लैंडलाइन थे, हाँ पहले हमको घर में सबके घर में लैंडलाइन थे। तो जब भी घंटी बजती थी तो जब छोटे बच्चे रहते थे तो ये सीन तो आपने सभी सभी ने देखा होगा, आपने भी अप्लाई किया होगा कि जैसे ही घंटी बजते तो हम तुरंत दौड़ दौड़ के जाते थे और फोन उठाते थे ओके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज, अभी सबके पास मोबाइल आ गए हैं, घर में सभी 8 या 10 जन रहते हैं तो कम से कम 7 लोगों के पास तो मोबाइल जरूर होंगे। तो अभी कोई लैंडलाइन रखेगा घर में, कोई लैंडलाइन रखेगा सबके घर में, लैंडलाइन मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। वो इन्वेंशन हुआ, वो एक्टिविटीज हुई, नई एक्टिविटीज हुई। अभी किसी के घर में हमको लैंडलाइन फोन नहीं दिखाई देता हमें, अभी सभी के पास अपना खुद का एक पर्सनल मोबाइल रहता है। तो इसकी वजह से इन्वेंशन की वजह से उसको क्या हुआ कि जितना ज्यादा वो इन्वेंशन करता है इंसान, जितना ज्यादा एक्टिविटीज करता है तो उससे उसको एक खुद को ही नुकसान पहुंचता है कि वो कभी आगे का नहीं सोचता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री, अगर वहाँ पे किसी जगह की कोई इंडस्ट्री है तो वो जो इंडस्ट्री का जो हो, फॉर एग्जाम्पल वो इंडस्ट्री का जो धुआं वगैरह होता है तो एक मिक्स अप इनटू द एयर, उसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कभी आप एयरपोर्ट देखा है आपने कभी? ओके तो एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कौन सा पॉल्यूशन हमको दिखाई देता है, कौन सा पॉल्यूशन का एक्सपीरियंस हम करते हैं? नॉइज पॉल्यूशन ऑब्वियसली, क्योंकि हम एयर पॉल्यूशन बात नहीं आता है लेकिन नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा रहता है। तो जिसकी वजह से जो एरिया है एयरपोर्ट के जो आजू बाजू के जो एरिया है तो वो लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर, हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर होते होंगे क्योंकि इतनी आवाज़ सहन करने की कैपेसिटी हम में नहीं है। तो इसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होते होंगे, वो लॉन्ग टाइम आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें दिखाई देते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड? ओके अभी आप मुझे एक बताइए कि हमारा जो दापोली का जो एटमोसफियर वो कितना काम एंड सुटेबल है बराबर हमारी हेल्थ के लिए, लेकिन जब भी हम मुंबई जाते हैं या किसी और सिटी में जाते हैं तो हमें ये एक्सपीरियंस जल्दी से होता है या महसूस जरूर होता है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से। फॉर एग्जांपल मुंबई इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ओके, क्योंकि वहाँ पे लोक संख्या ज़्यादा है तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमें ये डिफरेंस तुरंत दिखाई देता है। दिखाई देता है ओके। दूसरा एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेना है ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टू व्हीलर है आपके पास ओके। आपको बाजार जाना है, पहले आपके पास टू व्हीलर नहीं था तो आप चल के भी जाते थे या लिस्ट बना के एक बार सब सामान लेके आते थे। तो अभी आपके पास टू व्हीलर है, अभी एक फॉर एग्जांपल कोई चीज़ भूल गए हैं ओके। हाँ कोई बात नहीं, मेरे पास गाड़ी है, मैं फिर से जाके आता हूँ या मैं फिर से जाके आती हूँ, दैट इज़ द थिंग। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी चलने की जो एक्सरसाइज थी, जो आपकी एक्टिविटीज थी वो कम हो गई। आपको आदत किसकी लगी? टू व्हीलर की आदत लगी। अंडरस्टैंड?
अंडरस्टैंड? यस मैम। जितना हम ज्यादा चलते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सरसाइज वाला काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। अच्छी रहती है कि नहीं रहती है? नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड इन्वेंशन, हेल्थ अच्छी रहती है कि नहीं रहती है? यस और नो? अच्छी रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल से एक एग्जाम्पल, दूसरा एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कपड़े धोने की मशीन, ओके, कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन हम जिसको बोलते हैं, ओके, तो जब हम खुद से हाथ से कपड़े धोते हैं तो पूरा थोड़ा सा एक्सरसाइज भी होता है हमारा, कपड़े भी अच्छे धुलते हैं। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, हमारे कम्फर्ट लाइफ के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं मशीन में, और आधा घंटा रखते हैं, फिर वॉशिंग चालू कर देते हैं। हमको कुछ एक्सरसाइज मिली क्या उसमें, जो कपड़े धोते हैं उनको नहीं, उसमें कुछ भी एक्सरसाइज हमारी नहीं हुई, ना हमारा कुछ भी हलन चलन नहीं हुआ, हमारा बॉडी का कुछ भी हलन चलन नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से क्या करें, हमारा फैट, फॉर एग्जाम्पल जितना हम खाते हैं उसको हम बर्न नहीं करते, जितना हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जितना दिन में हम खाते हैं उसका एक्सरसाइज भी होना चाहिए ना। तो काम करने की जो आदत है, तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ कैसी रहती है, अच्छी रहती है। कैसी रहती है, अच्छी रहती है। समझ में आया? Yes, समझ में आया। तो इसकी वजह से यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे बताया कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड इन्वेंशन हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द बेटर लिविंग इन द नंबर रिस्पेक्ट एंड सम ऑफ हिज एक्टिविटीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ बैकफायर ड्यू टू द लैक ऑफ फोरेथॉट्स एंड इनएबिलिटी टू फोरसी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ हिज डेवलपमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की बात करें, आपने सब घर की लाइट, रूम की लाइट बंद कर दी है और सिर्फ आप अपने अपने मोबाइल पे हैं, तो उसका कुछ इन्फेक्शन या कुछ इम्पैक्ट आपके आंखों पे होता है, आंखों पे होता है, आपने पूरा रूम का लाइट बंद कर दिया है और सिर्फ आप अपने मोबाइल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो आपके आंखों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो एक क्या है, इन्वेंशन आपको दे क्या, कम्फर्ट लव, यू कैन चैट विद योर फ्रेंड्स, यू आर कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड, बट इट डैमेज टू योर हेल्थ, इट डैमेज टू योर आइज। ज्यादातर हम टीवी नहीं देख सकते, ज्यादातर हम फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में भी नहीं रह सकते। जैसे जैसे आपकी उम्र हो जाती है तैसे वैसे वैसे आपको पता चलता है। अभी आप छोटे छोटे बच्चों को भी देखिए, छोटे छोटे बच्चों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले लोगों को चश्मे नहीं लगते थे, चश्मे नहीं लगते थे, हाँ। अभी आप छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत आप देखेंगे कि बड़े कांच वाला चश्मा लग रहा है, उसका मतलब क्या, बेटर लिविंग ना, टीवी के सामने बैठना है और खाना खाना है, खेलना कूदना नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है, आंखों की आंखों को तकलीफ हो गई कि नहीं हो गई, एम आई राइट? हम चश्मा कब पहनते हैं, जब हमें धुंधला दिखाई देता है, हम चश्मा तभी पहनते हैं जब हमें धुंधला दिखाई देता है या ठीक से दिखाई नहीं देता है, ओके? तो ये पहले की, अब जब हम पास्ट की और प्रेजेंट की कंपैरिजन करें तो हमें डिफरेंस दिखाई देगा, हेल्थ में जरूर डिफरेंस दिखाई देगा कि अभी के बच्चे और पहले के बच्चे, उनमें क्या डिफरेंस था कि पहले जो मैदानी खेल खेले जा रहे थे, अभी वो मैदानी खेल हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी इंडोर गेम्स दिखा रहे हैं, बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, हाँ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं, वायलेंस देख रहे हैं, तो इसकी वजह से मेंटालिटी में भी थोड़ा सा बदलाव आता है, हेल्थ में भी थोड़ा सा बदलाव आता है। अगर आप खाना ही खाया और सो गए तो क्या करेंगे, आपने कुछ भी काम नहीं किया घर में, खाना खाया और सो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, क्या? नहीं, काम करो, खाना खाओ, थोड़ा काम करो, साइकिलिंग करो, एक्सरसाइज करो, आधा घंटा वॉक करो, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, नहीं तो आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। अंडरस्टैंड?